ऑल ऑफ यू, मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्मृति सी स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी मैं कंटिन्यूसली बच्चों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो आज भी मैं बच्चों के लिए ही कुछ लेके आई हूँ। हमारे घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वे अननोनली बेड गीला कर देते हैं, अर्थात बेड में यूरिन कर देते हैं। तो ऐसे में हमें टेंशन हो जाता है कि हम ये कोई बीमारी है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या इलाज है। तो इसी के बारे में आज मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये कोई बीमारी नहीं है। हम बच्चों के कुछ हैबिट्स को चेंज करके, कुछ उनमें बदलाव लाके इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। और अगर यह बीमारी आपके 15 से 20 साल की उम्र के बच्चे को होती है तो हम सोचते हैं यह बीमारी है, लेकिन उससे पहले अगर आपका बच्चा बेड गीला करता है या बेड में यूरिन करता है तो आप डरिए नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए। चलिए जानते हैं सिंपल टिप्स जिसे करके हम अपने बच्चों को थोड़ी बहुत राहत दिला सकते हैं। सबसे पहला, बच्चों को सोने से पहले आदत डालिए यूरिन करने की। कभी कभी हमारे बच्चे थक के सो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप उन्हें खुद यूरिन करा दीजिए। तीसरा, आप बच्चों को जो रूम में सोते हैं वहाँ पे स्मॉल बल्ब यूज़ कीजिए। कई बार होता है बच्चे डर के मारे नहीं जा पाते हैं बाथरूम, तो वहाँ बल्ब यूज़ कीजिए ताकि वो बाथरूम में खुद जाकर यूरिन कर सकें। रात को सोने के टाइम में, मतलब आफ्टर 7, उन्हें लिक्विड डाइट कम दीजिए। लिक्विड डाइट देने से उनका यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और 7 के बाद में उन्हें लिक्विड डाइट कम दीजिए। कई बार बच्चे ठंड की वजह से, जैसे आपके रूम में आप एसी यूज़ कर रहे हैं या ठंड का मौसम है, तो यूरिन कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप बच्चों को डांटे नहीं, उन्हें प्यार से समझाएं कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान दिया करो, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और कम से कम सोने से 1-2 घंटा पहले ही उन्हें भोजन करा दें। खाने के बाद में वो थोड़ी बहुत जो भी एक्टिविटी करते हैं और सोने से पहले वो यूरिन कर लेते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम उनकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कुछ कारण जानते हैं, जैसे कि बच्चे को नींद में देखा बच्चे ने कि हम यूरिन कर रहे हैं, तो वो नींद में सोचता है कि वो यूरिन बाथरूम में कर रहा है लेकिन वो बेड में कर देता है। कई बार क्या होता है, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। क्या होता है, पारिवारिक हिस्ट्री, यानी घर में और किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा बचपन में, तो भी वह जेनेटिकली उसमें आ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ऐसा होता है। अगर बच्चा डायबिटिक टाइप 1 का पेशेंट होता है तब भी यह कंडीशन हो सकती है। कई बार होता है कि बच्चे की कोई मेडिसिन चलती रहती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी यह होता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा गहरी नींद में रहता है, उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि वो उसको यूरिन आ रही है, उसे फील ही नहीं होता और वो यूरिन कर देता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा बेड गीला कर देता है, यूरिन कर देता है। सबसे बड़ी वजह मौसम। ठंड के मौसम में आप देखिएगा, बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते हैं। हमारे घर में भी जो स्मॉल किड्स होते हैं उनका यूरिन का मौसम की ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा यूरिन होता है उनको। तो यह कंडीशन ऐसा होता है बड़ों बच्चों के साथ भी, तो ये मौसम की वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिससे हम अपने बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चों को तिल और गुड़ का मिश्रण बना के सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मात्रा में आधा आधा स्पून दें, उससे उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप चाहें तो तिल, गुड़ और अजवाइन का मिश्रण भी उन्हें दे सकते हैं। आप साथ में चाहें तो 10 ग्राम आंवला, 10 ग्राम काला जीरा और 10 ग्राम चीनी का मिश्रण बना दें, और इसे भी आधा चम्मच गर्म पानी के साथ बच्चों को दोनों टाइम दें। अगर और एक ऑप्शन है आपके पास, आंवला और शहद का, आंवला और शहद, आंवला का पाउडर ले लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर बच्चों को चटाएं, इससे भी उनकी ये प्रॉब्लम ठीक होती है। आप बच्चों को मुनक्का, डेली 5 मुनक्का खाने की आदत डालिए, इससे भी यह प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर आप बच्चे को अखरोट और किशमिश, 2 अखरोट और 20 किशमिश डेली देंगे, तो यह बहुत दिनों से भी अगर आपका बच्चा बेड गीला कर रहा है तो उसकी भी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपका बच्चा जब भी दूध पीता है ना, कोशिश कीजिए उसे 1 चम्मच शहद मिलाकर देने की। जब बच्चा दूध में शहद मिलाकर 40 डेज तक पीता है तो यह बड़े से बड़ी बीमारी इसकी जो होती है यूरिन की, वह भी सॉल्व हो जाती है।
ये सब कुछ घरेलू उपाय हैं, ये सब चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, हम इसे ट्राई कर सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगी तो हमें बस थोड़ा मेहनत करके उन्हें देना है। आप चाहें तो ज़रूर कर सकेंगे। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि इसके कुछ घरेलू उपाय, और साथ में आप ये बताया कि बच्चों को ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत कम कंडीशन में, 100 में से 1 या 2 बच्चों को ऐसा होता है कि किसी डिजीज कंडीशन भी होती है। क्या होता है ना, कई बार बच्चों का जो ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर यानी जिसमें यूरिन स्टोर होके रहता है, वो छोटा रहता है, जिससे वो यूरिन को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उनका बेड में यूरिन हो जाता है। या फिर उनको हेरिडिटरी की यह प्रॉब्लम होती है, या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या किसी चीज़ का टेंशन ले रहा है, तब भी उसको यह प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बताया कि डायबिटिक कंडीशन में भी, बड़े लोगों को भी जब डायबिटिक 2 होता है तो यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा बाथरूम जाते हैं रात को, वैसा ही बच्चों के साथ भी होता है। तो ये सब चीज़ें कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिजीज़ कंडीशन है, लेकिन इन जनरल ये कोई डिजीज़ नहीं है। आप अपने बच्चे को आसानी से घर में ही ठीक कर सकते हैं, बस उनकी थोड़ी बहुत हैबिट चेंज कीजिए और साथ में कुछ घरेलू उपाय ऐड करके आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करते होंगे। नहीं करते हैं तो आज से ही कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे।